उसके बाद इंफोटेनमेंट भी देखेंगे जहाँ पे आपको मजा आएगा, थोड़ी शायरी होगी बीच में, और आपको ऑप्शन डालना है कमेंट में और बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा। तो हो जाइए तैयार बनने के लिए ज्यादा समझदार। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। पहले ही हमने पढ़ा है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में और वहां पर आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो यहां पर भी हम वही बात करने वाले हैं। पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद इंफोटेनमेंट भी देखेंगे जहां पे आपको मजा आएगा, थोड़ी सी शायरी होगी बीच में, और फिर हम करेंगे क्विज। सो इस तरीके से चीजें चलेंगी। और चैट जीपीटी में हमेशा हम बार बार इस वीडियो में बोल रहे हैं कि आपको करना है प्रैक्टिस, आपको जाना है चैट जीपीटी पे और आपको करना है प्रैक्टिस। उसके लिए जो भी वर्कबुक, जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो हमारे साइट पे अवेलेबल है। देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोलता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउंस। जब भी हम नाउंस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे यूज आता है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का। इनके एग्जांपल्स होते हैं विच, व्हाट, हूज, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। दे आर यूज्ड टू इंक्वायर अबाउट द आइडेंटिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी। जब भी किसी के बारे में पूछता है, उसकी क्वांटिटी मतलब कितना है, क्या है और कैसा है, क्वालिटी के बारे में पूछना है, तो वहां पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज आता है। आपको कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं जहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है ये डेफिनेशन। सो विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सा किताब पढ़ रहे हो आप? तो यहाँ पे विच जो है WHICH, ये वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आता है। विच बुक, बुक यहाँ पे नाउन हो गया, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सा बुक पढ़ रहे हो? आस्क अबाउट द स्पेसिफिक बुक, ठीक है। सो क्वेश्चन हियर इज आस्क अबाउट द स्पेसिफिक बुक। तो तीन चीजें होती है, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, आइडेंटिटी, क्वालिटी और क्वान्टिटी, इन तीनों के बारे में सवाल पूछा जाएगा नाउन से रिलेटेड, और जो सवाल पूछ रहा है वो वर्ड जो यूज हो रहा है यहाँ पे उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो कि है विच, हूज, व्हाट। यहाँ पे जैसे व्हाट का यूज होता है, व्हाट कलर इज योर कार, आपका जो कार है उसका क्या कलर है, कलर क्या है आपके कार का। सो आस्क अबाउट द कलर ऑफ द कार, हूज जैकेट इज दिस, ये किसका जैकेट है भाई, ऐसे करके पूछते हैं। तो आस्क अबाउट द ओनर ऑफ द जैकेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारा जो यूज हो रहा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहां पे सेंटेंस में, जहां पे नाउन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, किस तरह के सवाल, आइडेंटिटी या फिर क्वालिटी या फिर क्वांटिटी। एक और यहां पे एग्जांपल है जो कि रिलेटेड है अभी के सिनेरियो से, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ US रिसेशन, आपको पता है US में रिसेशन आ रहा है धीरे 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 धीरे, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से जॉब रोल्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पे पूछा जाता है व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ US रिसेशन, अगर आपको किसी से पूछना है कि भाई क्या हाल है अभी US रिसेशन का, तो आप पूछोगे व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ US रिसेशन। सो आस्क अबाउट द स्पेसिफिक कंट्री, अभी यहां पे कंट्री US है ना, तो नाउन हो गया, और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका क्या सिचुएशन है, और यहां पे व्हाट जो यूज हो रहा है वो क्या है हमारा, बिल्कुल सही, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अभी हम एक इंफोटेनमेंट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी शायरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा यहां पे, जो कि है, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं बुक्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ज़्यादा ध्यान उस पर दीजिए जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ है। बाद में जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे, एक जॉब ले लोगे या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ भी करोगे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा आराम करने का भी, है ना, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा टाइम ज़्यादा फोकस जाता है। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे, एक इंफोटेनमेंट में अभी आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ होते हुए देखा है, और आपको ये ध्यान से सुनना है ताकि आप भी फाइंड आउट कर सको, और मैं तो बताऊँगा इसके बारे में। चलिए, अब यहां पे एक सेंटेंस इन्होंने बोला है, व्हाट कॉज द सेल ऑफ टुडे, क्या जो है कारण था इसका, सेल ऑफ का, अभी सेल ऑफ यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे व्हाट जो है ये वर्ड क्या हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आपको भी पता है US रिसेशन की वजह से, और बाकी जो मार्केट्स हैं, जापान वगैरह का मार्केट है वो गिर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पे भी, निफ्टी 50 पे, सेंसेक्स पे बहुत असर पड़ रहा है, जिसके वजह से हमारा इंडियन मार्केट भी नीचे जा रहा है अभी जो सिचुएशन उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, व्हाट कॉज
द सेल ऑफ टुडे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन में इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज होता है। तो ये सारी चीजें बातें थी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। अब हम करने वाले हैं क्विज और आपको यहाँ पे आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको ऑप्शन डालना है कॉमेंट में और बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा इन आंसर्स का। 2 सेकेंड का टाइम रहेगा आपके पास, तो तैयार हो जाइए। वॉट डू इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स डू, डिस्क्राइब, आस्क, स्टेट या कमांड। क्या करता है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव? क्या ये डिस्क्राइब करता है, पूछता है, स्टेट करता है या कमांड करता है, ऑर्डर देता है? क्या है जल्दी से बताइए, 2 सेकंड है आपके पास। टिक टिक वन, टिक टिक टू, और सही आंसर है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो क्या करेगा, ये क्वेश्चन ही पूछेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आस्क। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं भी पता था तब भी आप कमेंट में डाल सकते हैं ए बी सी या डी कौन सा आपको सही लग रहा है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। गलतियां करते हैं ना तो सीखते ज्यादा हैं। जल्दी जल्दी गलती करो, जल्दी टाइम पे सही टाइम पे गलतियां करके आगे निकल जाओ, इससे सीखने को ज्यादा मिलेगा, है ना। गलती करने से नहीं घबराना, जितना गलती करने से आप घबराओगे उतना ही आप सीखने से पीछे हटते जाओगे। ठीक है, तो गलती के डर से आपको ऐसा नहीं है कि सीखना रोकना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है आपके हिसाब से? हैप्पी, विच, ब्लू या टॉल? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं आप बताओ दे कौन सा ऑप्शन सही है। आपको जल्दी से कमेंट में डालना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है, ए बी सी या डी। और सही आंसर है, 2 सेकंड का टाइम, टिक टिक वन, टिक टिक टू, सही आंसर है ऑप्शन बी, डब्ल्यू एच आई सी एच, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछने का काम हो रहा है, पूछा जा रहा है उसके आइडेंटिटी के बारे में, ना उनके आइडेंटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, और वो कौन करता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे है, डब्ल्यू एच आई सी एच। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हुज बुक इज दिस, ये जो सेंटेंस है हुज बुक इज दिस, विच वर्ड इज द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अरे ये तो बहुत सिंपली सवाल हो गया, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या डी, बुक, दिस, हुज या इस, कौन सा आपको लगता है यहाँ पे इस सेंटेंस में, हुज बुक इज दिस में आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है? और इसका सही आंसर है टिक टिक वन, टिक टिक टू, सही आंसर है ऑप्शन सी, डब्ल्यू एच ओ एस ई। सो बहुत सारे लोगों ने आई होप सही आंसर दिया होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बातें, शायरी और जो भी हमारा इंफोटेनमेंट आपने देखा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, जैसे कि SSC, 10th बोर्ड का, 9th क्लास के एग्जाम्स में, कहीं भी इंग्लिश ग्रामर आ सकता है, आपके डेली लाइफ में भी ये चीज़ें यूज होती है जैसा कि हमने इंफोटेनमेंट में दिखाया। तो सीखते जाइए, समझते जाइए और बने रहिए इसके लिए लैब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है हमारा बहुत एक्साइटिंग टॉपिक, जहां पर भी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने वाले हो जो कि आपको एग्जाम में सक्सेस होने में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।